कल पूरे देश में रक्षाबंधन का पावन त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, वहीं नैनीताल ज़िले में भी इसकी रौनक देखने को मिली। ऐसे में अब रक्षाबंधन के त्यौहार में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ आंचल दूध की बिक्री कर अन्य प्रतिस्पर्धी दूध कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल दुग्ध संघ ने अकेले ही एक दिन में यानी कि गुरुवार को 1,09,156 लीटर दूध का रिकॉर्ड बिक्री किया है। वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि संघ प्रशासन ने बढ़ती दूध की मांग को देखते हुए तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी थी, जिसके तहत इस साल रिकॉर्ड दूध की बिक्री नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के द्वारा रक्षाबंधन के दिन की गई है। इसके अलावा अन्य आंचल दूध उत्पाद से बने प्रोडक्ट भी बाजार में बड़ी मात्रा में बिके हुए हैं, जिसमें पनीर 2074 किलो, दही 5017 किलो और छाछ 85-45 लीटर के अलावा शुद्ध देसी घी 500 लीटर की बिक्री रक्षाबंधन के दिन हुई है।